कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों, मैं हूं आपका हो शेफ धीरज। सैलेड या सलाद, ये कंपोजिशन है हमारे कई सारे इंग्रेडिएंट्स का। ये कई सारी चीज़ों से जो कि उसमें यूज़ हो रही है उनसे मिलके बना होता है। पर ये सलाद है क्या? सलाद एक वर्ड है जो कि हमारे एक लैटिन शब्द है, साल से आया है। साल का मतलब होता है नमक या साल्ट। और जो ये साल है, एंशिएंट जो रोमन्स थे वो बिलीव करते थे कि अगर हम किसी भी हरी सब्जी या पत्ते में अगर नमक डाल के खाएंगे तो वो और ज़्यादा ही टेस्टी हो जाएगी, और जो उसकी बिटरनेस है, उसका जो कड़वापन है, वो कम हो जाएगा। तो वहीं से इस सैलेड का इजाद हुआ है। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सैलेड का कल्चर कोई ज़्यादा खास नहीं रहा है। हम लोग यहाँ सैलेड के नाम पे अपने खीरे, टमाटर, मूलियाँ या बद जो हमारी पत्ता गोभी होती है वही खाते हैं। पर वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो यहाँ पे सैलेड को एक बहुत ही अच्छा प्रेफरेंस दिया गया है। आप सैलेड को मेन कोर्स में भी खा रहे हैं, यहाँ पे स्नैक्स में भी खा रहे हैं, और एपिटाइज़र में भी उसको खा रहे हैं। और ये सिर्फ मतलब कि ठंडा नहीं खाया जा रहा है, ये गर्म भी होता है, जिसको कि हम लोग वार्म सैलेड या इस तरीके की चीज़ें हम लोग सर्व करते हैं वेस्टर्न कल्चर में। अब वही कल्चर हम लोग इंडिया में भी अडॉप्ट कर रहे हैं या कर ही दिया है। अब तो आप देखेंगे कि जो हमारी चाट है वो भी कितने डिफरेंट तरीके से ही सर्व की जा रही है। अब जो चाट है उसको भी हमने एज ए सैलेड लेना हिंदुस्तान में शुरू कर दिया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सैलेड के बारे में, ये कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक आपको पूरा ज़रूर देखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलेड जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कंपोजिशन होता है हमारे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स का। अब ये काफ़ी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं या स्टेप्स हैं वो क्या हैं? जो सबसे पहले अगर सलाद की बात करें तो ये आता है हमारा बेस। बेस के बाद आती है हमारी सलाद में बॉडी, फिर इसके बाद आती है हमारी ड्रेसिंग, और लास्ट में आती है हमारी गार्निश। बेस बेस से मेरा मतलब है कि जो हमारा सैलेड है हम उसको किस पे सर्व करेंगे। ये हमारा लेट्यूस के पत्ते भी हो सकते हैं, उनकी जूलियंस हो सकती है, गोभी के पत्ते हो सकते हैं, आपके टमाटो के छोटे कप्स हो सकते हैं टमाटो से बनाए हुए, या कुछ भी आपका, जैसे पाइनएप्पल हो गया, पाइनएप्पल का पल्प निकाल के अंदर का हम लोगों ने, और जो बाकी जो उसको बोर्ड शेप में यूज़ कर लिया। तो ये होता है हमारा बेस। इसके बाद है हमारी इसकी बॉडी। बॉडी का मतलब है कि जो मेन इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो आलू हो सकता है, वो चीज़ हो सकता है, पनीर हो सकता है, या कोई और भी इंग्रेडिएंट। इसके बाद होता है इसमें हमारा ड्रेसिंग। ड्रेसिंग से मेरा मतलब है कि एक ऐसा लिक्विड चीज़, चूँकि जो ये सारे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है जो इसकी बॉडी है, वो आपस में उनको जोड़ के रखेगी, उनको एक मॉइस्चर देगी, एक नया टेस्ट और एक नई फ्लेवर देगी। और लास्ट में आता है हमारा गार्निश। गार्निश भी बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है हमारा सैलेड में, क्योंकि जो गार्निश होती है वो आपकी जो सैलेड का रूप ही अलग बदल देती है। ये आपके जो सैलेड को एक अलग कंट्रास्ट देती है, और गार्निश हमेशा मिलती जुलती ही होनी चाहिए आपके सैलेड से। ये नहीं कि आपका सैलेड कुछ और हो और आप कुछ और गार्निश दे रहे हों और जो इंप्रेशन है खाने वाले पे वो गलत पड़े। हम गार्निश में कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी चॉप हर्ब्स होगी, या हर्ब्स के स्प्रिक्स हो गए, क्रूटॉन्स हो गए, आपके हम लोग रोस्ट करके हम लोग अपने नट्स डालते हैं, कभी हम लोग पीनट यूज़ करते हैं, पाइन नट्स यूज़ करते हैं, ऑलिव्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इन चारों चीज़ों से मिलके हमारा एक सैलड तैयार होता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? सैलड बेसिकली हमारे तीन प्रकार के हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले हो गए हमारे सिंपल सैलड, और दूसरा है हमारा कंपाउंड सैलड, और तीसरा है हमारा टॉस्ड सैलड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल सैलेड की। सिंपल सैलेड से मेरा मतलब है कि सिर्फ ऐसा सैलेड जिसमें कि हम लोगों ने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट यूज़ किया है। एक इंग्रेडिएंट का मतलब है कि जो कहने का मतलब कि सैलेड बड़ा ही सिंपल है, जैसे कि हमारा मेनली टमाटो सैलेड हम लोग कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ हमारा पिकल्ड बीट रूट। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ पिकल्ड बीट रूट या पिकल्ड आपके जो टमाटो यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा एक सिंपल सैलेड हो गया। इंडिया में बुफे में आपको तीन प्रकार के सैलेड्स दिखाई देंगे, उनमें से हमारा एक सिंपल सैलेड्स होता है जिसमें कि ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स को काट के रख दिया जाता है, खीरे, टमाटर, प्याज, सिंपल सिंपल एक एक चीज़ें। दूसरा होता है हमारे कंपाउंड सैलेड। कंपाउंड सैलेड हमारे बनता है कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के। अब ये जो कंपाउंड सैलेड होता है इनको हमने कैटेगरी में अलग अलग बांट दिया है। अब ये कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहले है हमारी वेजिटेबल, फिर है हमारे फ्रूट, फिर है हमारी मीट, और फिर है हमारी फिश और एक मिसलिनियस। तो टोटल ये पांच कैटेगरी होगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी वेजिटेबल कैटेगरी की। ऐसे सैलेड जिनका मेन इंग्रेडिएंट वेजिटेबल हो, जैसे कि हमारा जर्मन पोटैटो सैलेड।
इसमें जो कि सैलेड है, इसमें हमारा जो यूज़ किया है हमने आलू, तो ये हो गया हमारा हमारा कंपाउंड सैलेड हो गया हमारा आलू से बना हुआ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिश सैलेड की, फिश जिसमें कि जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा फिश हो गया, जैसे कि हमारा टूना सैलेड हो गया या निस्वा सैलेड हो गया, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा फिश, जहाँ जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है टूना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे फ्रूट सैलेड की, फ्रूट सैलेड जैसे कि हमारा वॉलड्रॉप सैलेड बड़ा ही फेमस सैलेड है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा एप्पल्स, एप्पल्स मेयोनीज क्रीम वगैरह यूज़ करके हम लोग इसको बनाते हैं। इसके बाद है हमारा कम हमारा लास्ट में हमारा है मीट सैलेड, मीट में हमारा चिकन भी आ सकता है, हमारा लैम भी आ सकता है। तो इसमें मैं आपको एक सैलेड का नाम बता रहा हूँ, कार्मेन हॉन्ग्रिस, ये हमारा चिकन का सैलेड है, इसमें यूज़ किया जाता है पेपरिका पाउडर रोस्ट करने के लिए चिकन को, और उसका सलाद बनाया जाता है। जो इसके अंदर लास्ट कैटेगरी थी वो है हमारी मिसलिनियस, जो इन किसी भी कैटेगरीज में नहीं आ रहा है उसको हम लोग मिसलिनियस में रख देते हैं, जैसे कि हमारा फातू सैलेड हो गया या हमारे अरबी के कई और जो हमारे सैलेड से वो हो गए। अब ये सारे सैलेड हमारे कहीं ना कहीं पे हमारे डिफाइंड है, हमें मालूम है ये सारे सैलेड, क्योंकि कई सारे सैलेड ऐसे हैं जो कि बड़े ही फेमस हैं हमारे, इनमें से जो कि मैंने आपको बताए या जो भी मैंने अभी तक सैलेड का नाम लिया। अब जो लास्ट कैटेगरी है वो है हमारी टॉस्ड सैलेड की। अब जो ये टॉस्ड सैलेड है आप कह सकते हैं ये क्रिएटिव सैलेड होता है, आपको कुछ सैलेड्स के नाम मालूम है जो कि अब तक आपकी किताबों में लिखे गए हैं, पर इसके अलावा भी अब कभी कभी आप कुछ ऐसे सैलेड्स बना देते हैं जिनका नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है और वो पहली बार ही बनते हैं क्योंकि आपने ही उनको क्रिएट करा है। तो ऐसे सैलेड को आप टॉस सैलेड का नाम दे सकते हैं। जी हाँ, आपने चिकन लिया, आपने टमाटो लिया या उसमें लेट्यूस डाले, आपने कोई एक अचार की ड्रेसिंग बना दी और आपको लगता है कि आपने ये पहली बार ही बनाई है, किसी भी किताब में या किसी भी बुक में ये मेंशन नहीं है, तो आप इसको चिकन टॉस सैलेड का नाम दे सकते हैं। तो ये बेसिक जो कैटेगरीज थी मैंने आपको बता दी, सिंपल कंपाउंड हो गए और हमारे टॉस सैलेड हो गए। तो देखिए ये सब कुछ था आज सैलेड के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये मेरी वीडियो है छोटी सी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपका जो नॉलेज है सैलेड के बारे में काफ़ी बढ़ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी थी, और मुझे बाकी किसी भी सब्जेक्ट पे आप लोगों को चाहिए वीडियो तो मुझे लिख के भेजिएगा आप व्हाट्सअप पे या मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो प्लीज़ इसे आगे शेयर कर देना, लाइक भी ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ आगे भेज भी देना, मतलब शेयर कर देना फिर से। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।